सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशांक जैन है और आप देख रहे हैं वोडोफा। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं वोडोफा पे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस बनाता हूँ कंस्ट्रक्शन होम इंटीरियर्स को लेके। तो आज मैं अपनी एक साइट पे आया हूँ, यहाँ पर एंथ्रियम गुड़गांव में। ये हमारा एक पेंट हाउस है, ट्रिप्लेक्स अपार्टमेंट है और इसका एक मैं डबल हाइट एरिया आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको ना अभी इसी वीडियो में इसका बिफोर और आफ्टर दिखाऊंगा और बिफोर और 3D दिखाऊंगा कि जिससे आपको पता लगेगा कि हमने अभी साइट पे क्या प्लान किया है, 3D में वो कैसा दिख रहा है, ओवरऑल लग्जरी कैसे आने वाली है और वो एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर आप ड्राइंग एरिया, तो ये डबल हाइट एरिया है जैसे कि आप देख सकते हैं। इसकी जो हाइट है ना, तो ये लगभग 20 फुट की हाइट है नीचे से लेके ऊपर तक, और ये 20 फुट में ग्रैंडुलर स्पेस की तरीके से दिखता है। तो मेरे पीछे जैसा कि आप देख सकते हैं डबल हाइट का एल्युमिनियम सेक्शन एंड आयोनाइज एल्युमिनियम सेक्शन लगा हुआ है और बाहर एक बहुत ही खूबसूरत सी बालकनी है। तो जैसे इस एरिया में आते हैं, यहाँ पर हम डाइनिंग टेबल प्लेस करने वाले हैं। ऊपर शैंडलियर होगा और ये शैंडलियर 4 और 5 पीसीज में लगेगा। इसकी प्लानिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके अराउंड जो हमें इसकी चेनिंग करनी है, जो इसके हुक्स लगाने हैं, वो सब हम पहले ही डिज़ाइन कर लेंगे। आपके पीछे जहाँ आप देख रहे हैं मुझे, उसके पीछे कैमरे के मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर ना किचन एरिया है। तो किचन और डाइनिंग एरिया को हमने कनेक्ट किया है। तो ये पूरे पीछे ग्रैंडुलर लॉन्ग किचन है, जो एक किचन है और उसके बाद एक यूटिलिटी एरिया है। और मैं आज इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ डाइनिंग एरिया को फोकस करूंगा और बताऊंगा कि यहाँ क्या हो सकता है। तो ये पूरा एरिया एक 10-12 सीटर डाइनिंग टेबल के लिए है। बहुत ही सुंदर डाइनिंग टेबल हमने यहाँ प्लान किया, आपको अभी 3D में दिखेगा। शैंडलियर है इस तरफ और इस तरफ, मेरे लेफ्ट में और मेरे राइट में, दोनों तरफ एक डबल हाइट वॉल है। ये जो डबल हाइट वॉल है ना, ये भी बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ से हमारा एक स्टेयरकेस, इंटरनल स्टेयरकेस ऊपर जा रहा है। अभी मैं आपको चढ़ के दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से एज अ यूज़र इसके ऊपर चढ़ जाएगा और अपने घर के अंदर नीचे से लेके ऊपर तक एक्सेस कर पाएगा। और ये थोड़ा ना राउंड है, आप अगर ये देखें तो ये थोड़ा सा राउंड है। थोड़ी सी इसकी फील को, थोड़ी सी इसकी क्लास को इन्हांस करने के लिए हमने एक राउंड स्टेयरकेस यूज़ किया है। टिपिकली आपने सीधे सीधे स्टेयरकेसेस बहुत देखे होंगे, पर राउंड स्टेयरकेस है तो इसकी अपनी एक फील है, इसका अपना एक अच्छा मज़ा है। तो यहाँ पर आप ऊपर जा सकते हैं और आप 3D में देखेंगे। इसमें हमने बहुत अच्छी PVD की शीट की डिज़ाइनिंग करी है, ऊपर ग्लास लगाया है और साथ में इसके पीछे इधर एक पार्टीशन है जो कि अगेन SS के मटेरियल से, रोज़ गोल्ड के मटेरियल से हमने यूज़ किया है, अगेन टू एनहांस द फील एंड ग्रैंडुलैरिटी, कि आपको मज़ा आए, आपको देखने में लगे कि मैं एक लग्जरी 5-स्टारिश घर में आया हूँ। तो उसके लिए उस डिज़ाइन को हमने इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। तो ओवरऑल नेट बात करें, एक तरफ किचन है, एक तरफ डोर विंडो है, दूसरी तरफ स्टेयरकेस है एंड एक पार्टीशन है, और मेरे पीछे इसका एक पैसेज है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइट का काम हो रहा है, तो आपको कहीं पर AC का काम दिख रहा होगा, कहीं पर कुछ प्लम्बिंग का काम दिख रहा होगा, कहीं पर कोई इलेक्ट्रिकल का काम दिख रहा होगा। तो इस वाले एरिया को अगर आप देखेंगे तो ये ना एक लिफ्ट का एरिया है। तो हमने पर्सनल लिफ्ट घर के अंदर, अपार्टमेंट के अंदर डिज़ाइन करी है और हमने ये लिफ्ट यहाँ पर लगाई है, जिससे कि घर के अंदर से आप ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर जा सकते हैं। तो ये पूरा एक लिफ्ट का डिज़ाइन है जो भी हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। अभी मैं आपको इस पिक्चर में भी दिखाऊंगा और आपको समझ में आएगा कि ओवरऑल ये एरिया कैसे फंक्शनल और यूजेबल बनेगा, कैसे इसके अंदर मज़ा आएगा, कैसे लोगों को कनेक्ट महसूस होगा आपके किचन से डाइनिंग एरिया, आपके डाइनिंग एरिया से ड्राइंग रूम एरिया, आपके ड्राइंग रूम से इनफॉर्मल एरिया, इनफॉर्मल एरिया से पूजा एरिया, ये सब कुछ आपस में कैसे कनेक्टेड है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग मी टिल द एंड। ऐसे मैं खूब सारे वीडियोज बनाता रहूँगा, आप मुझे पसंद करते रहें। और अगर आप मुझे प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, तो कमेंट में ज़रूर डालें और मेरा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और लोगों को भी ज़रूर बताइएगा।